फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके सबसे भरोसे वाले यूट्यूब चैनल OCC बाई विपुल सर के 5G ट्रिक के प्रोग्राम में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले एक पार्ट बन चुका है 5G ट्रिक का, मैथ का। ये हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में एक पार्ट बन चुका है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तीन तीन टॉपिक एक साथ आपको पढ़ाया गया है, बेलन, गोला और शंकु। बेलन, गोला और शंकु, तीन टॉपिक एक ही वीडियो में, और बहुत ही छोटा सा वीडियो है। और उसमें सिर्फ तीन टॉपिक ही नहीं बल्कि तीन उसके अंदर सब टॉपिक भी पढ़ाए गए हैं, जैसे आयतन निकालना हो आपको, TSA निकालना हो, या फिर CSA उसका निकालना हो, सारी चीज़ें निकालने के लिए बस एक ट्रिक से इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टॉपिक्स की सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक बना करके आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अगर अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, इसके बाद इसको आकर के देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ में ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल 5G ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक, एकदम इतना मज़ा आ जाएगा आपको आज पढ़ करके कि आप लोग बिल्कुल चिल्ला उठेंगे। तो दोस्तों, इस दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ट्रिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथ का। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की क्यों ना तैयारी कर रहे हों, ये सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, किसी में आसान क्वेश्चन आता है, किसी में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। लेकिन टॉपिक तो यही होता है, कॉन्सेप्ट भी यही होते हैं, चीज़ें बिल्कुल यही होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि किसी में घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और किसी में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे, तो हम लोग जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उन सभी की अगर जड़ देखें कैसे वो सॉल्व होगा, तो इन छोटे छोटे ट्रिक्स से ही वो सॉल्व होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहेंगे तो इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, क्वेश्चन के ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शन है मेरे पास, उन सभी की मैं प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा, बशर्ते आज हम लोग सिर्फ ट्रिक को पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिक ये है कि कैसे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे। तो कुछ जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम होता है, NTPC का होता है, या फिर इस तरह के जो भी जो छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप लोग देखेंगे तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे पूछ लिया जाएगा A ratio B का आपको दे दिया 2:3 है, A अनुपात B 2:3 है, तथा B अनुपात C 3:4 है, तो ABC क्या होगा। इस तरीके से मतलब बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे अब आजकल नहीं आते, लेकिन फिर भी किसी छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बस आपको क्या किया जाएगा कि ये जो यहाँ पे जो डिजिट दी गई हैं, ये डिजिट थोड़ी हार्ड कर दी जाएंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, और कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आंसर भी आपका गलत आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे छोटा पूछे चाहे बड़ा पूछे। और जो बड़े टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा आपको रिटर्न फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व तो इसी तरीके से करेंगे, जो इसका रूल और रेगुलेशन उसी के हिसाब से करेंगे। तो ये ट्रिक इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि A ratio B जो होगा वो 2:3 होगा, B ratio C जो होगा वो 3:4 होगा, तो A ratio B ratio C क्या होगा। अगर आपको इस तरीके से निकालना हो, किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी हो निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप लोगों के पास बिल्कुल 3G 4G 5G, जो कि आपको बहुत देर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 3G 4G 5G तीनों ट्रिक आज मैं लेकर के आया हूँ। 5G की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, उससे पहले हम लोग 3G की बात कर लेते हैं, जो आज तक आप लोग पढ़े होंगे शायद, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन लोगों के लिए नया लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों में से कि ये वाला ट्रिक तो जानते ही होंगे, 3G वाला। बात करते हैं ये ट्रिक है क्या। तो A ratio B ratio C देखिए, हमको ये निकालना है ना, तो जो निकालना है पहले उसको लिख लेंगे, A ratio B ratio C, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, फिर देखेंगे क्या दिया है, A ratio B दिया है 2:3, तो A की जगह पे A के नीचे 2 और B के नीचे 3, यही तो दिया है, A की जगह पे 2 दिया है, B की जगह पे 3 दिया है, तो इसको सेम टू सेम इसके नीचे लिख लेंगे। फिर B ratio C क्या दिया है, तो B ratio C दिया हुआ है 3:4, तो इसके नीचे लिख लेंगे 3:4, यानी 3:4, रेशियो भी बोलते हैं, इस्टू भी बोलते हैं, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आपको अप्लाई इसमें कैसे करना है, इसको लिखना सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग तीर की मदद लेते हैं। तीर का मतलब है ये जो तीर आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरीके की कुछ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनता है, ये देखिए तीर वाला कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसमें करते क्या है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में, 3 2 6, यानी 3 2 6 लिख देंगे सीधे सीधे। पहले यहाँ से यहाँ आते हैं, तो यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो 2 3 6, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे 3 3 9, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 3 4 12, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। 2 3 6, 3 3 9 और 3 4 12, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे आएंगे, पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो 3G वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये उम्मीद करते हैं बहुत लोग जानते भी रहे होंगे। अब आते हैं 4G पर, इससे भी आसान बनाते हैं इसको। तो 4G वाले में क्या करना है आपको, सिंपली सेम टू सेम ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपको उठा करके लिख लेना है पहले, और लिखने के बाद क्या करना है,
कि ये जो बीच वाला होगा यहाँ पर, यानी कि जो बी वाला रेशियो होगा यानी थ्री, इसको सरका देंगे इधर, मतलब जहाँ पर भी गैप आपको दिखेगा, यहाँ पर गैप दिख रहा है तो इस वाले नंबर को इधर सरका के लिख देंगे, यानी कि एक थ्री और लिख देंगे। फिर इधर भी आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो इस वाले नंबर को भी सरका करके इधर लिख देंगे यानी कि थ्री, और सबका आपस में ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 3 6, 3 3 9, 3 4 12, इस तरीके से तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं, 3 से भी आप काटेंगे तो कट जाएगा, तो आपका आंसर दूसरा आ जाएगा, यानी सिंप्लीफाइड रेशियो आपका आ जाएगा। अब आते हैं 5G वाले कॉन्सेप्ट पर, 5G वाले कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे। 5G वाले में देखिए कुछ नहीं करना है, 5G क्या है कि अगर आपको बीच का रेशियो बिल्कुल सेम टू सेम दिख जाए, जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 3 बिल्कुल सेम दिख रहा है, ए और बी का क्या दिया था 2:3 दिया था, बी और सी का क्या दिया था 3:4 दिया था। अब आप देख रहे हैं बीच का रेशियो बिल्कुल सेम है, यानी कि 3 और 3 है। जब भी आपको बीच का रेशियो सेम मिल जाए तो इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, इसको भी सेम टू सेम उतार दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, सबको उतार देना है। अब बताइए इसमें कोई कैलकुलेशन या कोई दिमाग या कोई मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे इसको उतार करके लिख दीजिए 2 3 4 हो गया रेशियो 2 3 4। इसको भी अगर आप लोग कट करेंगे वही आएगा, देखिए 3 से अगर इसको कट करिए 3 से तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ये देखिए आ गया रेशियो सेम टू सेम वही तो है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यही रेशियो आएगा लास्ट में, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके, समझ में आ गया होगा कि ट्रिक क्या है। तो 5G ट्रिक में फिर से एक बार मैं बता दूं आपको क्या करना है, सीधे सीधे बीच के रेशियो को देखना है कि बीच का रेशियो अगर बिल्कुल सेम है तो सेम वाली कंडीशन में क्या करना है, सीधे सीधे उतार लेना है, सबको उतार लेना है, कुछ करना ही नहीं है, सेम वही रेशियो होगा, वही आंसर होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये बीच का रेशियो बिल्कुल सेम ना हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे अगर 4 हो या यहाँ 5 हो, यहाँ पे कुछ अलग अलग हो दोनों नंबर, तब क्या करेंगे। उस कंडीशन में आपको ये वाला ट्रिक या फिर ये वाला ट्रिक, दोनों में से कोई भी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है, कोई भी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। 5G वाला ट्रिक सिर्फ इसी में अप्लाई होगा जब बीच वाला रेशियो सेम होगा तब, क्लियर है। आगे चलते हैं, अभी तो हम लोग देख लिए 2 वाला, अब देख लेते हैं थोड़ा 3 अगर नंबर दे देगा आपको या 3 रेशियो दे देगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ए रेशियो बी दे दिया, ए और बी का अनुपात दे दिया 1:2, बी और सी का अनुपात दे दिया 2:3, सी और डी का अनुपात दे दिया 3:4, और अब आपसे पूछ दिया ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। ऐसा बहुत बार आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है, बहुत बार आपको निकालना पड़ता है ए बी सी डी का अनुपात या 4 लोगों का अनुपात। तो जब भी 4 लोगों का अनुपात निकालना हो तब भी वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3G वाला आप लोग समझ गए हैं, 3G वाले में कैसे करना होता है, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, इस तरीके से करके करते हैं। 3 वाला, लेकिन इसमें 3 वाला अप्लाई नहीं होता है क्योंकि 4 वाला है। तो 4 वाली कंडीशन में क्या करेंगे, 4G और 5G वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, तो इसको करने के लिए हम बोले हैं आपको सबसे पहले आपको लिख लेना है ए अनुपात बी का अनुपात दिया है 1:2, फिर बी अनुपात सी का अनुपात दिया है 2:3, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग दिया हुआ है बिल्कुल, और सी अनुपात डी का अनुपात दिया है 3:4। अब हम आपको 4G वाले में बताए थे, 4G वाले ट्रिक में, कि जहाँ भी स्पेस खाली होगा, जहाँ पर भी खाली होगी जगह, वहाँ पर इसी नंबर को पीछे की तरफ या आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, क्लियर है। तो 2 को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ देख रहे हैं एक जगह और खाली है तो इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा करके 3 लिख देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं एक जगह खाली है तो इसको बढ़ा करके 2 लिख देंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 जगह खाली है तो दोनों जगह पर 3 को बढ़ा करके इधर लिख देंगे, यानी कि जो एक नंबर होगा लास्ट वाला उसी को दाएँ बाएँ बढ़ा करके बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। इस ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, याद हो गया होगा, और फिर सीधे सीधे सबका मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे देखिए 3 2 6 6 1 6 हो जाएगा, फिर 3 2 6 6 2 12 हो जाएगा, 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा, 4 3 12 12 2 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद जो आएगा इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब आते हैं 5G ट्रिक पर, ये तो हो गया बिल्कुल 4G वाला कि आगे पीछे सरका करके कैसे करेंगे। अब ये आता है 5G वाला ट्रिक, इसमें फिर से ध्यान रखेंगे, अगर गलती से बीच वाला बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है, बीच वाला दोनों का दोनों अगर आपको सेम टू सेम रेशियो मिलता है, इस केस में फिर वही काम करिए, आँख बंद करिए, पेन उठाइए और धीरे से उठा करके बिल्कुल सबको लिख दीजिए, ठीक है, आराम से उठा करके सबको लिख दीजिए 1 2 3 4, रेशियो हो गया कम्प्लीट। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई पहाड़ा नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं करना है, चूँ भी नहीं करना है, सीधे उठा करके लिख देना है, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इसे ही कहते हैं 5G ट्रिक, इसीलिए इस प्रोग्राम को हम नाम दिए हैं 5G ट्रिक, मैथ का 5G ट्रिक।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसी तरीके का और भी ट्रिक चाहते हैं और भी सभी टॉपिक्स पर जितने भी मैथ के चैप्टर्स हैं सभी पर ट्रिक चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, एनर्जेटिक बनाइए हमको, ढेर सारी एनर्जी हमको प्रोवाइड करिए अपने कमेंट के माध्यम से, जिससे हम फटाफट आपके सामने सारे वीडियोस लाते चले जाएँ। रही बात इसके और क्वेश्चंस की, तो ये तो रहा एक छोटा सा ट्रिक, इस पर इसको अप्लाई करने के लिए इसका जो एप्लीकेशन होगा यानी कि ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे उसका अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका भी वीडियो बने, उससे आपको प्रैक्टिस करवाई जाए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके मेरे पास ढेर सारे कलेक्शंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो ज़रूर हम आप लोगों के लिए ये भी प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।